वेल लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी इन्फिनिक्स नोट 11 में भी ये फ़ीचर के बारे में एक्सप्लेन किया है तो अगर आप इन्फिनिक्स नोट 11 या इन्फिनिक्स नोट 11s दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन आप लेना चाहते हो तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको एक यूजफुल फ़ीचर मिलेगा जो कि है हाइड एप्लीकेशन का वैसे तो इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में कई सारे ऐसे यूजफुल फ़ीचर है लेकिन जो प्रो टैप का फीचर है उसमें से एक जो जो फीचर है ये बहुत ज़्यादा आपको यूज में आ सकता है बिकॉज एक तरीके से सिक्योरिटी और प्राइवेसी बेसिस का सेटिंग है तो वैसे तो इसमें और भी कई सारे फीचर्स सा, है अगर आप जा, जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मैं इसके लिए टॉपिक जरूर कवर करूँगा अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो तो ये जो स्मार्टफोन है बेसिकली जस्ट अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है और ये है इस इन्फिनिक्स नोट इलेवन एस फ्री फायर एडिशन का अनबॉक्स और इस स्मार्टफोन में आपका एट जी बी रैम और वन ट्वेंटी एट जी बी का स्टोरेज मिलेगा इसका एक और वेरेंट है सिक्स जी बी रैम का और तो ये जो एट जी बी रैम वाला स्मार्टफोन है ये सोलह हज़ार रुपये का आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट और ये है इस इन्फिनिक्स नोट एलेवन एस का पूरा स्पेसिफिकेशन थर्टी थ्री वॉट का इसमें अल्ट्रा फास्ट चार्जर आता है जो नियरली एक घंटा बीस मिनट या एक घंटा तीस मिनट के अंदर ही पूरे स्मार्टफोन को जीरो टू हंड्रेड परसेंट चार्ज कर लेता है डबल स्पीकर आता है तो साउंड क्वालिटी के मामले में आपको इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है कम्प्लीट अमेजिंग स्मार्टफोन है विथ डी का इसमें सपोर्ट है और सबसे एडवांस वाली जो बात है ये कि ये कम्प्लीटली एक हार्ड कोर गेमिंग स्मार्टफोन है स्पेशली ये स्मार्टफोन इसका जो वेरिएंट आता है सिक्स जी बी रैम का उससे ज़्यादा पावरफुल इसका सेकंड वाला वेरिएंट है एट जी बी रैम का जिसमें आपको बहुत स्मूथ गेमिंग का परफॉर्मेंस मिलेगा और इतना ज़रा हीटिंग का इशू तो होगा ही नहींोस्ट नाइन्टी परसेंट तो नहीं होगा और साथ ही साथ इसका डिस्प्ले साइज़ भी बड़ा है लाइक सिक्स पॉइंट नाइन्टी फाइव आलमोस्ट सेवन इंच का डिस्प्ले है तो ऐसे में आपको एक्सपीरियंस बड़े डिस्प्ले का काफ़ी अच्छा मिलेगा सो गाइस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज जो भी आपको डाउट एंड क्वेश्चन हो गए आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और साथ ही साथ अगर आपको मेरे टॉपिक्स एंड वीडियोज़ पसंद भी आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको कुछ और भी प्रो टाइप्स के कुछ अगर क्वेरीज हो गए बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है सो so, अभी यहाँ पर मेन टॉपिक पे आते हैं कि एप्लीकेशन को कैसे हाइड करना है तो यहाँ पर आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है ये फीचर आपको इस इन्फिनिक्स नोट 11s एस फ्री फायर एडिशन में और इन्फिनिक्स नोट 11 में भी आपको दोनों में आपको ये फीचर मिलता है तो इसे अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली आपको इस ऑप्शन पर टैप करना है ये जो एम बार है इस पर टैप करना है देन डाउन साइड में मेडो का ऑप्शन दिखेगा व्हाइट एंड देन स्क्रोल डाउन करना है स्क्रोल डाउन करने के बाद यहाँ पर जो फीचर सेटिंग्स मिल रहा है इसमें सेकेंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा हाइड एप्लीकेशन का राइट right यो तो इस पर टैप करना है एंड देन उसके बाद ये स्टार्ट पे टैप करना है अब सबसे पहले गाइस यहां यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है तो आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हो जैसा आप चाहते हो तो पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है देन कंफर्म तो ये कंफर्मेशन है डन अब ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसके बारे में ज़रा ध्यान से समझना ये यहाँ पर आप जैसे पासवर्ड सेट करोगे सेकेंड स्टेप आपको यह आएगा सेक्स सेट सिक्योरिटी क्वेश्चन ये बेसिकली आपको पासवर्ड रिकवरी में यूज में आएगा इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आपको ये क्वेश्चन आएगा उसका आपको बस आपको आंसर जो भी आप सेट करोगे वो आपको इंटर करना होगा और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ पर क्वेश्चन सेट करोगे उस क्वेश्चन का जो आंसर आप सेट करोगे वो आपको प्रॉपर तरीके से याद रहना चाहिए अगर आप उसे भूल गए तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा सिवाय पूरे मोबाइल को फॉर्मेट करने के और ये इम्पॉर्टेंट है ध्यान से रखना तो सबसे पहला यहाँ पर जो मैं ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करने वाला हूँ यही यूज़ करूँगा व्हाट इज़ ए मिडल नेम तो मिडल नेम अपने आप अपने डैड का रख सकते हो या तो अपने मॉम का जो भी आप रखते हो तो ये ज़रा ईजी रहेगा बिकॉज़ ये हमें ईजिली याद रहेगा तो अब यहाँ पर जो मेरा डैड का पर्स नेम है वो मैं यहाँ पे रखता हूँ एंड देन उसके बाद ये तो ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है इसे भूलना मत अब उसके बाद यहाँ पर पूरा सेटअप प्रोसेस कंप्लीट हो गया अब डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन को हाइड करना है तो एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए प्लस वाला आइकन पर टैप करना है एंड देन यहाँ पर आपको वो सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो करंटली आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपको दिख रहे हैं उन्हीं एप्लीकेशन को आप हाइड कर पाओगे बिकॉज़ कुछ एप्लीकेशन जो है वो हाइड एप्लीकेशन के फीचर को सपोर्ट नहीं करती है तो जो आपको यहाँ पे लिस्ट पर दिख रहा है बस उन्हें ही आप हाइड कर पाओगे तो लेट्स मैं यहाँ पर हाइड करता हूँ कोई भी दो एप्लीकेशन को तो यहाँ पर मैं हाइड करूंगा एक ही अल्फाबेट्स में सो लेट्स एग्जाम्पल ओके तो मैं इस दो एप्लीकेशन को हाइड करूंगा ये एक्स कार्ड और ये एक्स शेयर दोनों एक ही अल्फाबेट्स है तो ए, इसको मैं पहले आपको एप्लीकेशन लिस्ट में दिखाता हूँ तो ये मैं एप्लीकेशन लिस्ट में गया एक्स के अल्फाबेट्स में गया एंड देन यहाँ पर ये यह दोनों एप्लीकेशन है राइट एक्स कार्ड भी है और एक्स शेयर भी है तो एक्स शेयर की दो एप्लीकेशन है मिनी है और ये ऑफिशियल है तो ये एक्स कार्ड और ये एक्स शेयर ये दोनों हाइड होगा तो इसे मैं हाइड करता हूँ फिर से एम टी वार पे टैप करूँगा मेनू मेनू में जाने के बाद हाइड एप्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लस पे टैप किया स्क्रोल किया एक्स कार्ड चूज किया इसे कन्फर्म किया हाइड किया ये हाइड हो गया देन इसके बाद डाउन साइड में एंड इस फिर से ये एक्स शेयर इससे टैप करके कन्फर्म किया हाइड किया तो ये दोनों एप्लीकेशन यहाँ पर हाइड तो जितने भी एप्लीकेशन को आप हाइड करोगे वो आपको इस लिस्ट में शो हो जाएंगे अब ये एप्लीकेशन हाइड हो चुके हैं तो अभी इसे इस चेक करते हैं ये एप्लीकेशन लिस्ट में दिखता है कि नहीं तो ये यह यहाँ पर गया एक्स में और एक्स के अल्फाबेट्स में फिर से गया यहाँ पर मैं ये एक्स के अल्फाबेट्स और यहाँ पर अगर, अगर आप देखोगे तो जो एक्स कार्ड और एक्स शेयर ये दोनों एप्लीकेशन यहाँ पर जैसे एक्स शेयर मिनी है वो अलग है और ये अलग है तो ये मिनी है ये तो रहेगा गई बिकॉज मैंने इसको हाइड नहीं किया है लेकिन जो एक्स कार्ड था और सेकेंड था एक्स शेयर ये दोनों एप्लीकेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है सो यू कैन सी वाइट हीयर क्लियरली तो आई होप आपको ये मैजिक पूरा समझ में आ गया तो बिकॉज वो एप्लीकेशन हाइड है तो इसी तरीके से आप व्हाट्सअप को भी हाइड कर सकते हो मोबाइल की गैलरी को भी हाइड कर सकते हो अगर आपको वो लिस्ट में दिख रहा है तो दैट्स इट अभी इसको अभी एप्लीकेशन को अनहाइड कैसे करना है फिर से मैन्यू सेटिंग्स में जाना है स्क्रोल करके हाइड एप्लीकेशन पासवर्ड इंटर करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो एप्लीकेशन हाइड है उसको अनहाइड करने के लिए उस पर टैप करना है इस तरीके से देन डाउन साइड में एक्सपोर्ट कन्फर्म फिर से एक्स शेयर पर टैप किया एक्सपोर्ट और कन्फर्म दैट्स इट बस इतना सा ही काम है तो एप्लीकेशन फिर से अनहाइड हो गया अभी उसके बाद अगर आप फिर से जाओगे एक्स शेयर के लिस्ट में यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है राइट right? तो यहाँ पे मतलब फिर से एप्लीकेशन शो हो गया एक्स कार्ड और ये एक्सर डेट सेट तो बस ये एक सिंपल सा प्रोसेस है एप्लीकेशन को हाइड करने का तो यहाँ पर अभी बेसिकली मैंने व्हाट्सअप को इंस्टॉल नहीं किया है तो इसलिए मैं उसको हाइड करके नहीं दिखा सकता बिकॉज इंस्टॉल ही नहीं किया मैंने इसमें बिकॉज अभी जस्ट नया है तो इसमें ज़्यादा यूज भी नहीं कर रहा हूँ बट इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी यूजफुल सो वैसे तो इसमें और भी कई सारे फीचर हैं तो अगर आप चाहते हैं मैं इसके और टॉप टेन फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और एक और चीज़ मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड कर रहा हूँ जो पासवर्ड सेट करने के टाइम पर आपको ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी क्वेश्चन का उसका जो भी आप आंसर रखोगे वो आपको कहीं नोट पैड में अपने मोबाइल में कोई नोट पैड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वहीं पर आपको सेव करके रखना है बिकॉज़ यहाँ पर अगर आपने कोई क्वेश्चन सेट किया आंसर सेट किया उसके बाद आपने एप्लीकेशन को हाइड करके रख दिया लेकिन अगर आप फिर से आप, आप अपना पासवर्ड अगर भूल गए ऐसे में और आपको याद नहीं कि आपने क्या आंसर सेट किया तो आपको एक ही रहेगा कि आपको पूरा मोबाइल फॉर्मेट करना होगा इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा तो मेक श्योर sure ये मिस्टेक आपको नहीं करना है तो यहाँ पर मैं एक बार ट्रायल के बेसिस पे एक और एप्लीकेशन और फिर से एक बार मैं प्रोसेस आपको कंप्लीट करके बना ताकि आपको समझ में आए सिर्फ से एजेस एक फास्ट फॉरवर्ड होगा मैंने सेटिंग्स में जाना है हेड एप्स में जाना है पासवर्ड इंटर करना है उसके बाद प्लस आइकन पर टैप करना है एप्लीकेशन को पिक करना है तो अभी फिर से मैं एक बार एप्लीकेशन को पिक करता हूँ तो अभी मैं हाइड करूँगा ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया और फ्री फायर ये दोनों गेम को डाउनलोड ये बैटल ग्राउंड और फ्री फायर दोनों को हाइड करूंगा तो पहले मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर है फ्री फायर और यहाँ पर है बैटल ग्राउंड ठीक है अब दोनों को मैं हाइड करूँगा लिस्ट में हाइड एप्स सेटिंग्स डाउन बैटल ग्राउंड टैप किया इस पर कन्फर्म फिर से फ्री फायर पे टैप किया यहाँ पर कन्फर्म दैट दोनों एप्लीकेशन हाइड है एंड देन इसके बाद यहाँ पर मैंने टैप किया बैटल ग्राउंड बैटल ग्राउंड में पिक किया और यहाँ पर बी बी के अल्फाबेट्स में तो बी में यहाँ पर बैटल ग्राउंड एप्लीकेशन है ही नहीं और अगर मैं एफ़ पे जाऊँ फ्री फायर तो फ्री फायर भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है दैट्स इज ऑल अबाउट फिर से अनहाइट करने के लिए फिर से उसे सेटिंग्स से में हाइड एप्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक्सपोर्ट अनहाइट बैटल ग्राउंड अनहाइट फिर से गया लिस्ट में एंड यहाँ पर एप्लीकेशन फिर से अवेलेबल है बैटल ग्राउंड एंड फ्री फायर सो दैट्स इज ऑल अबाउट आई होप आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया कि इस तरीके से एप्लीकेशन को हाइट करना है इस इन्फिनिक्स नोट इलेवन एस फ्री फायर एडिशन में कुछ भी अगर आपको डाउटिंग क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू